सड़क तो है पर किस काम की, इस सड़क पर तो दिन में भी नहीं चल सकते। कई बार कह दिया जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी, पर हमारे सुनता कौन है साहब। ये दर्द है उन ग्रामीणों का जिनकी सड़क की समस्या का निदान न जाने कब होगा। शासन प्रशासन और जन प्रतिनिधियों आखिर कब सुध लेंगे पता नहीं। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों के परिवार उजड़ गए, मगर ना तो किसी को कोई चिंता है न इस बात की परवाह कि बदहाल सड़क को सुधारा जाए। खैर, निवेदन करते करते अब थक हार चुके ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और सरकार को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा ब्लॉक के 26 किलोमीटर लंबे मुख्य ग्रामीण सड़क छिड़ाखान अमजड़ रीठा साहिब मोटर मार्ग की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। इस सड़क में ग्रामीण अपनी जान को खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। इस सड़क पर वाहन लेकर चलना जान हथेली पर लेकर चलना जैसा है। साल 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित इस सड़क में दोबारा कभी डामरीकरण नहीं हुआ। बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे और सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियों से मार्ग और अधिक संकुचित हो गया। ये तस्वीरें देख आप खुद सड़क की दुर्दशा देख सकते हैं, मगर किसी को यह हाल नजर नहीं आ रहा है। दर दर भटकने के बाद अब थक हार चुके ग्रामीणों ने खुद ही कमर कस ली है और सड़क को दुरुस्त करने का बीड़ा उठा लिया है। यह लोग अब आपस में चंदा इकट्ठा कर इस सड़क की मरम्मत में जुट गए हैं, पर देखना ये होगा कि वोट मांगने गांव पहुंचने वाले नेताओं का ये लोग अब किस तरह स्वागत करते हैं। ग्राम सड़क योजना में इसका 2008 में इसका निर्माण हुआ था। 26 किलोमीटर छिड़ाखान से मिरार तक इसकी कुल लंबाई है और 2008 में निर्माण होने के बाद आज 2022 हो गया है। इसमें एक पहले पार्ट में कटिंग हुई, सेकंड पार्ट में इसमें जब डामर और सोलिंग का कार्य हुआ, जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल निम्न गुणवत्ता होने के कारण पूरी रोड भी तहस नहस है और कूरी झाड़ी कटान जो है, तो आज के दिन में सबसे ज़्यादा परेशानी है गड्ढे और ये जो झाड़ी जो है। झाड़ी से आपको पिछले जून के महीने में यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे कोरा डालगंडिया एक जगह पड़ती है, जहाँ पर एक मैक्स जीप जो थी टैक्सी गाड़ी पूरी खाई में समा गई थी और जिसमें 5 लोगों की 6 लोगों की हमारी अकाल मृत्यु हो गई थी। और ऐसी कई आए दिन दुर्घटनाएं, कई मास्टर लोगों के एक्सीडेंट, टू व्हीलर पर जब जाते हैं उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। और झाड़ी जब ऐसी आप देखेंगे कि 2 मीटर का स्पान भी हमारी सड़क पर नहीं बचा हुआ है, और जबकि सड़क की चौड़ाई हर जगह 10 मीटर लगभग सड़क की चौड़ाई है। कब से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं और कितना अभी चंदा लेके आप लोग इसमें काम कर रहे हैं? इसमें पिछले 10 दिनों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई लोग समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, कई प्रतिनिधियों के द्वारा और टैक्सी यूनियन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है कि मजदूर चूंकि एक आध दिन तो मुसलमान कर सकते हैं, बाकी इनको भी अपने बच्चे पालने। हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम कंडीशन है, बहुत ही दयनीय हालत हमारी है, जबकि पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री धामी जी का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से जीठा साहिब मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर पवित्र स्थल गुरुद्वारा सिखों का है और शीला देवी बरदायनी माता हमारी इस सड़क पर आती है और कई एक प्रकार के तीर्थ स्थान भी इस रोड में मौजूद है। कि सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है, हम लोग रात दिन इस पर चलते हैं अपनी बाइक से, दूसरे की गाड़ी से। ये जो झाड़ियाँ हमको लगती है इससे दिक्कत होती है, गाड़ी गिरने का डर रहता है। ये गड्ढे हैं और जो है झाड़ी भी है, पास लेने का भी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग खुद श्रमदान करके चंदा करके इसकी सफाई करवा रहे हैं। यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको इस रोड की सफाई करते हुए? लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। अच्छा, कितना किलोमीटर आपने कर दिया है अभी तक सफाई? ये हमने कर दिया होगा लगभग 7-8 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, क्योंकि आप लोगों को खुद मजदूरी करके इसमें अपने घर से श्रमदान करके आप लोग इस सड़क को सही कर रहे हैं? शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि देखें, इसको आए यहाँ पर, ऐसी हालत है, ऐसे इस दुर्गम क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, हमें कभी हमारे बच्चे बीमार हो जाए, कोई दूसरा बीमार हो जाए, रात में जाना पड़े, तो बहुत मतलब दुख होता है इस चीज़ का कि शासन प्रशासन हम लोगों को नहीं देखता है। यहाँ की हालत ऐसी है, भाई जान से अभी बाइक से निकलते हैं हम, तो हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच ही जाएँ, और कभी कभी तो ऐसा करना पड़ा है कि बाइक पंचर हो जाए, ना पंचर वाले की सुविधा है ना कुछ ऐसा है, उसके बाद हमें सीधे गाड़ियों में ले जाना पड़ा है, ऐसी रोड की हालत हो रही है। देखो, सफ़र तो बहुत मुश्किल है, खासतर छिड़ाखान से जब इधर को आते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम कब पहुँचेंगे और कैसे पहुँचेंगे, ऐसी हालत है इस रोड की। बट शासन प्रशासन से भी क्या कहें यार, लोग कह रहे हैं बीच में इतना वो करा था, एक हमारे गाँव के लोगों ने सब इकट्ठा हो गए आंदोलन टाइप का करा था, उसमें बोला था कि यार हाँ जल्दी इसका वो करा जाएगा, हमारे
ये नेताजी हरीश नेहरू जी भी थे उसमें, और करते हैं, कभी कोई करता है वोटों के टाइम में थोड़ा बहुत कुछ, कभी कोई करता है चुनाव के समय में। यहाँ नेता आते हैं सब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कैडा जी हैं, इतने टाइम से लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, पहली बार निर्दलीय जीते, दूसरी बार उन्हें पार्टी से टिकट मिला, कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, फिर कुछ लोगों ने इतना बड़ा साथ दिया, फिर भी वो विधायक बने, उसके बाद भी वो अनदेखी कर रहे हैं कि उन्हें वही नहीं आया, रोड की क्या हालत हो रही, कितने एक्सीडेंट हो गए बीच में, एक तो इतना तगड़ा हुआ कि उसमें पूरे परिवार के परिवार चले गए। ठीक है, लोगों को क्या करना है, अपना जिससे अपना खुद का नुकसान है बस उसी को दर्द है, और को किसी को दर्द नहीं है। मैं आ रहा हूँ अपने गांव डुंगरी से आ रहा हूँ, ग्राम डुंगरी से आ रहा हूँ, मैं हल्द्वानी को जा रहा हूँ। तो इस रोड में जब भी आते जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, टायर मेरा कल ही 3 बार पंचर हुआ मेरा टायर, पिकअप में ले जानी पड़ी गाड़ी को, बहुत समस्या हो रही है, रोड की हालत बहुत ख़राब है जिससे टायर बार बार पंचर हो जा रहा है, नया टायर परसों ही 1 महीना भी नहीं हो रहा है, नया टायर डलवाया था, 3 बार पंचर हो चुका है अभी तक। नहीं कोई सुन रहा है आपकी बात कि ये रोड सही कर रहे हैं? अभी तो कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, कोई सही कर ही नहीं रहा है, आप करते करके वैसे ही रखी है रोड को। अच्छा, गड्ढे और झाग ऐसी हैं? गड्ढे झाड़ियाँ बहुत भयंकर है, पूरा रास्ता एकदम घना जंगल लगता है, डरावनी, दिन में ही डर लगती है, रात में तो आने जाना हो नहीं पाता है, सरिया ऊपर को अलग निकली होती है, बड़े बड़े पत्थर आए रहते हैं, रात में दिक्कत होती है, रात में बहुत दिक्कत होती है। कौन सा मार्ग है? अमजड़ मोटर मार्ग है। इस रोड से जो है हमारे गांव की रोड है, छिड़ाकान अमजड़ मोटर मार्ग है, रीठा साहब को जाती है, चंपावत को जोड़ती है रोड। तो इस रोड की बहुत बुरी हालत है और आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, आप देख सकते हैं इस रोड की क्या हालत है। एम्बुलेंस को ये 12-13 किलोमीटर का एरिया है, इसी रोड पर जो है ये 13 किलोमीटर में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसमें मरीज होता है, मरीज की हालत ख़राब हो जाती है, और तब तक मरीज जो है वहाँ पहुँचने से पहले हो जाते हैं।